फैशन की दुनिया में अच्छी अच्छी डिजाइनिंग वाले डिजाइनर लेस की बहुत अच्छी डिमांड है। कम पैसों में अधिक मुनाफा कमाने वाले बिजनेस का मार्केट बहुत बड़ा है और ये कभी न खत्म होने वाला बिजनेस है। कम लागत पर अधिक मुनाफे वाला घरेलू बिजनेस है ये। अब लोग घर बैठकर नए नए बिजनेस करना चाहते हैं। यदि आप भी अपने घर से बैठकर कम पैसे में अधिक मुनाफा कमाने का बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो डिजाइनर लेस का बिजनेस आपके लिए बिल्कुल सही चुनाव है। वैसे सिलाई कढ़ाई से जुड़े इस बिजनेस को महिलाओं का काम माना जाता था, लेकिन आज के जमाने में बिजनेस करने में महिलाएं और पुरुष कोई अंतर नहीं। जब टेलरिंग में महिला कपड़ों की सिलाई में पुरुष टेलर का दबदबा है, उसी तरह महिला कपड़ों की रंगाई कढ़ाई में भी पुरुषों का अच्छा दबदबा है। इसलिए कोई भी इस डिजाइनिंग बिजनेस को आसानी से कर सकता है, बस केवल आपके हाथों में हुनर, तेज दिमाग होना चाहिए। ये बिजनेस इतना आसान है कि घर के एक कोने में मात्र कुछ पैसों से शुरू किया जा सकता है। पहले ये बिजनेस काम हाथों से सुई धागे से किया जाता था, लेकिन जब इस काम में बदलाव आया तो सिलाई कढ़ाई मशीन इस बिजनेस का सहारा बनी। इस मशीनों से एक सीमा तक डिजाइनिंग की जाती थी, इससे बीच में फिर हाथ में बने डिजाइनिंग लेस की डिमांड बढ़ गई। इसके बाद अब ऐसी आधुनिक ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं जो हाथ से बनी डिजाइन से भी अच्छी डिजाइन की लेस बनाने लगी हैं। गारमेंट्स को सजाने के लिए बनता है डिजाइनर लेस। डिजाइनर लेस कपड़ों को सजाने यानी आकर्षक बनाने के लिए काम में आने वाले धागे से बना डिजाइन होता है। गारमेंट्स को सजाने वाली कड़ी हुई पट्टी, चोटी, लटकन आदि सजावटी सामान को डिजाइनर लेस कहते हैं। ये काम बुटीक सेंटर्स में अधिक होता है। फैशनेबल कपड़ों में हर कोई सबसे अलग दिखना चाहता है, इसलिए वो मशीन से बने डिजाइनर लेस की जगह हाथ से बने लेस पसंद करने लगा है। इस तरह की मांग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, इसलिए इस बिजनेस का मार्केट बहुत बड़ा है। एक खास बात और है कि यदि आप लेस को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं। विदेश में तो हुनर की कीमत भारत की अपेक्षा कई गुना अधिक है। इस बिजनेस में घर में रहने वाली भारतीय महिलाएं बहुत अच्छे से कर सकती हैं। इसके अलावा इस काम को बिजनेस लेवल पर भी किया जा सकता है। नए नए प्रयोग से डिजाइनर लेस के बिजनेस में आ रही है चमक। डिजाइनर लेस को परंपरागत रूप से धागे से बनाने वाले डिजाइन या कपड़ों की कटाई, छटाई कर उनमें कढ़ाई करके बनाया जाता है, लेकिन आजकल के कुछ एक्सपर्ट्स ने इस बिजनेस को नया रूप देने की कोशिश की है। इससे इस बिजनेस में नई जान सी आ गई है। पहले ये डिजाइनर लेस सूती, रेशमी, सुनहरे, रुपहले धागों से बनाई जाती थी, लेकिन अब इस बिजनेस में आए नए कारीगरों ने सोने चांदी के तारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके सामने आते ही मार्केट में महंगे महंगे डिजाइनर लेस बनने लगे हैं। इनकी जबरदस्त डिमांड है क्योंकि इन्हें सोशल स्टेटस का सिंबल माना जाता है, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। अनेक गारमेंट्स कंपनीज इस तरह के एक्सपर्ट्स को बहुत ऊंची सैलरी पर हायर करके अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। कहां कहां रजिस्टर्ड कराना होगा बिजनेस? ये बिजनेस एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भी किया जा सकता है, बड़े लेवल पर कंपनी बनाकर भी ये बिजनेस किया जा सकता है। अब आपको ये तय करना है कि किस लेवल का काम शुरू करना है। यदि आप अकेले अपने घर से आसपास के लोगों के लिए डिजाइनर लेस बनाकर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा किसी कंपनी या फर्म के लिए घर में पार्ट टाइम जॉब की तरह काम करना चाहते हैं तो भी किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यदि आप छोटा ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम स्केल पर काम करना चाहते हैं या कंपनी लेवल पर काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही आपको GST नंबर भी लेना होगा। इसके अलावा शॉप एक्ट में भी अपनी फर्म का नाम रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा आपको रोजाना लेन देन करने के लिए करंट अकाउंट भी खुलवाना होगा। यदि आपका बिजनेस बढ़ता है और इसके लिए आपको अधिक संख्या कर्मचारी रखने होते हैं तो उस समय EPF और ESI में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप मैनुअल काम कराना चाहते हैं या मशीनों से? उसी हिसाब से आपको बिजनेस करने के लिए जगह, मशीन, हेल्पर्स की आवश्यकता होगी। उस पर आने वाले सभी छोटे बड़े खर्चों का हिसाब किताब इस बिजनेस प्लान में दर्ज करना होगा। आप किस तरह से प्रोडक्ट तैयार करेंगे, उसके लिए कच्चा माल कितना आएगा, मशीनें कितनी आएंगी, वर्कशॉप और शोरूम के लिए कितनी जगह लेनी होगी, उसका कितना किराया देना होगा, तैयार माल को किस तरह से बेचा जाएगा, मार्केटिंग किस तरह से होगी, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहां से आएगा, काम करने वाले हेल्पिंग हैंड कहां से मिलेंगे, बिजली, पानी आदि खर्च को जोड़कर बिजनेस प्लान में सब कुछ लिखना होगा। इसके बाद आप लागत और खर्चे के बाद अपना मुनाफा कितना चाहेंगे उसको भी बिजनेस प्लान में शामिल करना होगा। इस तरह से आप यदि खाका बना लेंगे तो आप बिजनेस शुरू करने के बाद मात नहीं खाएंगे, अन्यथा आप अनुमान से उल्टा सीधा खर्चे करके और मेहनत करने के बाद आप अपना पैसा गवा सकते हैं। कच्चा माल क्या क्या है? डिजाइनर लेस के बिजनेस के लिए आपको कच्चा माल चाहिए।
कच्चा माल के रूप में आपको धागे, सुई, कैंची, सूजा, कई तरह की कढ़ाई वाली सुइयां के अलावा डिजाइनर कपड़े, कपड़ों की पट्टियां, कढ़ाई के काम आने वाले फ्रेम आदि की जरूरत तो आपको हाथ से काम करने के समय पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्ट के अनुसार कुछ खास चीजों की जरूरत होती है, वो आपको काम करने से ही पता चलेगा। इसके अलावा आपको सूती, रेशमी, रुपहले, सुनहरे धागे, मोती, घुंघरू, शीशे के पीस आदि भी कच्चे माल के रूप में आवश्यक होंगे। कौन कौन सी मशीनें लेनी होंगी? अब बात आती है कि आपको इस बिजनेस के लिए कौन कौन सी मशीनें लेनी होंगी। तो इस बिजनेस को दो अलग अलग तरीकों से शुरू किया जा सकता है। पहला बॉबिन मशीन है और दूसरा पूरी तरह ऑटोमेटिक फैशनर लेस मेकिंग मशीन। बॉबिन मशीन से आपको रोलर डिजाइन, सीधी कटाई या गोलाई वाली कटाई, दो परत वालों कपड़ों की सिलाई आदि की सुविधा मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम वाली ऑटोमेटिक मशीन से आपको अपनी मनपसंद डिजाइन पलक झपकते निकाल सकते हैं। क्या है लागत का फॉर्मूला? लागत के बारे में बात की जाए तो यह आपके बजट पर निर्भर करता है। जैसे पहले ही बताया गया कि जिस तरह के बिजनेस को व्यक्ति भी अपने घर से शुरू कर सकता है उसमें काफी कम लागत आएगी। उसके बाद मीडियम स्केल पर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर काम शुरू किया जाता है तो उस पर 3-5 लाख की लागत आ सकती है। इसमें दुकान, शॉप, शोरूम भी शामिल है। हाई लेवल पर यानी लार्ज स्केल पर कंपनी बनाकर काम शुरू करना होगा तो उसके लिए 8-10 लाख तक की लागत आ सकती है। मार्केटिंग करने का तरीका अलग होता है। इस डिजाइनर लेस बिजनेस की मार्केटिंग करने का तरीका अलग होता है क्योंकि ये बिजनेस सर्विस और प्रोडक्ट का मिलाजुला रूप होता है। आप अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और इसे सर्विस भी कहा जा सकता है। इसका कारण है कि आपका प्रोडक्ट अकेला मार्केट में नहीं बिक सकता, उसे आपको गारमेंट कंपनी या कपड़े सिलाने वालों को देना होगा। ये बिजनेस पूरी तरह से आपके हुनर और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर निर्भर करता है। इसके लिए शुरू में काफी मेहनत करनी होती है, लोगों की डिमांड पर काम करते या करवाते हैं। आपकी डिजाइन जैसे जैसे मार्केट में हिट होती रहेंगी वैसे वैसे ही डिमांड बढ़ती जाएगी। इसके बावजूद आपको मार्केटिंग जबरदस्त करनी होगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना होगा। आपके आसपास लगने वाले हैंडीक्राफ्ट बिजनेस मेले, प्रदर्शनी आदि में आपको अपने हुनर का प्रदर्शन करना होगा। अपने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को आकर्षित करना होगा। इसके अलावा मार्केट में ब्रांडेड गारमेंट वाली कंपनी से टाई अप करना होगा। वो आपकी डिजाइन को पसंद करते हैं तो आपको बड़े पैमाने पर बिजनेस मिल सकता है। इसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहना होगा, लोगों की पसंद को देखते हुए नए नए डिजाइन को बनाते रहना होगा। ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर उसमें डालने से आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।